ओके उकोंग कैरेक्टर जो कि अभी के टाइम पर बेस्ट कैरेक्टर है और पर्सनली मैं भी इसको यूज करता हूँ, वो तो अपने आप में एक ओपी और खास है ही। अगर आप लोग उसके साथ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को यूज करते हो जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उकोंग का जो है पावर वो दो गुना हो जाएगा। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कैरेक्टर्स आपको रखना है, बट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उन सब कैरेक्टर जो मैं आपको बताऊंगा रखने के लिए उसका असल में वार क्या है और उकोंग के साथ अगर आप लोग लेते हो तो आपको क्या फायदा मिलेगा। वीडियो को आधा अधूरा देख के जाओगे तो आधा ज्ञान ही ले पाओगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो कि आज का हमारा टॉपिक है उकोंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उकोंग एक एग्रेसिव गेम प्ले वाला कैरेक्टर है, उसको आप यूज करके रश कर सकते हो एंड डिफेंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट अगर आप उसको सर्वाइव के लिए यूज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इसका 80% एबिलिटी का एडवांटेज आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर आप एनिमी को नॉक नहीं करोगे तो उकोंग रिचार्ज नहीं होगा, फिर से आपको 200 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा लिटरली इसको यूज करने के लिए। एंड जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उकोंग के लिए, वो भी एग्रेसिव गेम प्ले के लिए ही होगा। एंड इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करके आप लोग अकेले ही एक अच्छा स्क्वाड को भी वाइप आउट यानी उड़ा सकते हो। हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है मैक्सिम। अभी मत बोलना कि स्ट्रोम शक्ति भाई मैक्सिम ही क्यों, हमें तो बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि उकोंग के साथ केली कैरेक्टर यूज करने से उकोंग का झाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केली का काम है वो आपको स्प्रिंटिंग स्पीड 6% देती है, एंड वो स्प्रिंटिंग स्पीड आपको तभी मिलेगा जब आप स्प्रिंट करोगे यानी भागोगे, एंड हेंस जब आप स्प्रिंट बटन को टच करोगे यानी प्रेस करोगे तभी आपको स्प्रिंटिंग स्पीड मिलता है, ना कि एनालॉग बटन को प्रेस करते हुए स्प्रिंटिंग स्पीड मिलता है। और आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करो कि उकोंग कैरेक्टर आप जब भी यूज करते हो तभी क्या आप लोग स्प्रिंटिंग बटन को यूज करते हो, नहीं ना। तो केली आपको कैसे स्प्रिंटिंग स्पीड देगी आप अगर गिलीबूस के अंदर होंगे। अभी फिर से मत पूछना कि शक्ति भाई हायाटो ही क्यों, सबर करो थोड़ा, मैं लास्ट में फुल डिटेल्स में बताऊंगा क्यों मैं इन कैरेक्टर को आपको बता रहा हूँ और इससे क्या आप असल में बेनिफिट पा सकते हो। अभी जो थर्ड लास्ट नंबर कैरेक्टर आपको क्या यूज करना है सुन लो। थर्ड नंबर जो कैरेक्टर है आपको यूज करना है आपके ऊपर डिपेंड है, आपको मैं चार ऑप्शन दूंगा, मोको, कपेला, राफेल, केली। अभी डायरेक्टली बात करते हैं इन सब कैरेक्टर को आपको क्यों यूज करना चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं हमारा प्यारा मैक्सिम कैरेक्टर से। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप उकोंग के झाड़ी के अंदर रहकर भी 4 से 5 मेडिकेट यूज कर सकते हो तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा। जी हाँ, अगर आप लोग उकोंग कैरेक्टर के साथ मैक्सिम कैरेक्टर यूज करते हो तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। अपडेट के बाद मैक्सिम कैरेक्टर को गरीना वालों ने कुछ ज्यादा ही चेंजेस कर दिया है, जहाँ पे अदर कैरेक्टर एक मेडिकेट को यूज करने के लिए 4 सेकंड टाइम लेते हैं 4 सेकंड, वहां पे मैक्सिम कैरेक्टर आपके पास होगा तो वो सिर्फ 2.4 सेकंड यानी 2 सेकंड ही टाइम लेता है। और भी एक चीज है जो कि आपको मैक्सिम कैरेक्टर यूज करने के लिए डिपेंड करवाता है उकोंग के साथ, जो कि एचपी फैक्टर। अगर आप लोग उकोंग कैरेक्टर को यूज करोगे आपको पता होगा वो आपको एचपी नहीं देता है, तो आपको एचपी में दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर लोगे उकोंग के साथ तभी आपको एचपी में प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, आप एचपी रिकवरी जल्दी से जल्दी कर सकते हो मैक्सिम के साथ। आपको हायाटो क्यों यूज करना है उकोंग के साथ, आपको तो पता होगा शॉर्ट रेंज फाइट में हायाटो कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, एंड अपडेट के बाद हायाटो को और भी ओपी बना दिया है गरीना फ्री फायर ने। हायाटो का दो स्किल है, आपको डिटेल्स में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना। अभी बात करते हैं अगर आप लोग हायाटो कैरेक्टर यूज करते हो देन आप लोग उकोंग बने हुए शॉर्ट रेंज में जाकर एनिमी को पेल के आ सकते हो, वो क्रोनो यूज करेगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी बात करते हैं हमारे जो 3 नंबर ऑप्शन में थे 4 कैरेक्टर, मोको, कपेला, राफेल, केली। अगर आप लोग मोको कैरेक्टर यूज करते हो तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मोको कैरेक्टर यूज करते हो और एनिमी के ऊपर एक गोली कनेक्ट कर लेते हो तो उसका लोकेशन आपको रिवील होता रहेगा, एंड आपको पता लग जाएगा एनिमी का लोकेशन कहाँ है, और आप इजीली उकोंग बन के उसके ऊपर रस करके मार सकते हो, नहीं तो वेट कर सकते हो वो जब भी कवर से निकलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो मैंने डैमेज दिया और मोको का टैग शो कर रहा है मेरे को, वो लेफ्ट साइड ग्लोअल के पास है, जैसे ही ग्लोअल फूटा और मैं इसको हेडशॉट लेके खत्म कर दिया। ये सब चीज पॉसिबल हो सका मोको कैरेक्टर के वजह से। अभी बात करते हैं आपको कपेला कैरेक्टर क्यों यूज करना चाहिए उकोंग के साथ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो एचपी है 28 है अभी, और मैंने एक एनिमी को नॉक करने के बाद 2 मेडिकेट यूज किया एक साथ। आपको बता दूं नॉर्मली क्या होता है, एक मेडिकेट से आपको 75 एचपी मिलता है, तो 2 मेडिकेट से आपको मिलना था 150 प्लस 28 आपका 178 एचपी होना था, बट मेरे को मिल गया 200 एचपी। ये जो 22 एचपी मिला फ्री वो कपेला दिया मेरे को। सिंपल वर्ड में बोले तो कपेला कैरेक्टर क्या करते हैं, आप जो भी हेल्थ किट को यूज करते हो वो चाहे मेडिकेट हो गया, इनहेलर हो गया, चाहे आलोक हो गया, उसका एचपी को वो इंक्रीज कर देता है।
तो उकोंग के साथ कपेला यूज करने का एक बेनिफिट है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर यूज करते हो तो वो 4 सेकंड के अंदर 2 मेडिकेट मारेगा एंड कपेला के साथ वो हो जाएगा 200 SP के आसपास। आप कपेला कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो राफेल कैरेक्टर से अगर आप लोग स्नाइपर चलाना पसंद करते हो। अगर आप लोग को डबल स्नाइपर अच्छा चलाना आता है, नहीं तो सिंगल स्नाइपर से अच्छा है मेट भी चला लेते हो, तो राफेल कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट होगा। एंड राफेल कैरेक्टर का और एक ट्रिक है, उकोंग के साथ वो फ्रिजाइल शॉट ले सकते हो। उकोंग बन के आप राफेल यूज करोगे तो साइलेंसर लग जाएगा, एनिमी को पता नहीं लगेगा एंड अब इजीली एनिमी के नजर से बचकर एनिमी को खत्म कर सकते हो। अगर आपको राफेल कैरेक्टर नहीं लेना है तो राफेल कैरेक्टर को आप केली कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। अभी मत बोलना कि शक्ति भाई आपने तो मना किया था, केली कोई भी स्पीड नहीं देता है तो हम इसको क्यों यूज करें। भले ही केली बूस्ट के अंदर स्पीड नहीं देता है बट केली के अंदर 2 आत्मा घुसा है, एक इलाइट केली और एक केली। अगर अपडेट के बाद वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देख लेना। बट अगर आप लोग केली को यूज करते हो तो एक साथ 2 बेनिफिट है। अगर आपको सीखना है कैसे उकोंग बनकर आप प्रिसाइज शॉट ले सकते हो एंड बहुत सारा एडवांटेज देखना चाहते हो उकोंग का, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो। एंड अगर किसी और कैरेक्टर पे वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाला प्लेलिस्ट को क्लिक करो, वहां पे आपको सब कैरेक्टर का वीडियो मिल जाएगा।